दोस्तों हम गल करते आप वर्क परमिट के प्रोसैसिंग टाइम की। जी हाँ दोस्तों, आर आई सी सी ने वर्क परमिट के वास्ते भी जो है वो अपनी आंकड़े जो है वो वैबसाइट के उत्ते अपडेट कर दिते है। दोस्तों जिस तरह के आप सोचा सीगा कि 19 अक्टूबर तो बाद जदों कैनेडा का मुख अंबैसडर समेत 6 होर अंबैसडर चले जाएंगे दिल्ली तो उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रोसैसिंग टाइम जोड़ा है बहुत ही लमक सकता है, अनप्रडिक्टेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों वधाई दे पात्र ने दिल्ली के IRCC के अधिकारी जिन्होंने इस घटा तो नहीं सके लेकिन वधन नहीं दिता। दोस्तों ये भी उन्होंने एफर्ट जोड़े है शलाघाजोग है और इस मैं एक पॉजिटिव संकेत मानता कि आप जड़िया गलतियां कीतियां सीगियां फेक डाकूमेंट वाली करके प्रोसैसिंग पीरियड वध रहा, लेकिन वो अपना जोड़ा है मैन पावर तो वर्किंग उन्होंने कमी नहीं आन दी। दोस्तों बहुत ही अच्छी गल है, ट्रेंड भी दोस्तों यदा कोई बहुत माड़ा नहीं है। पूरी वीडियो देखियो, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहो तो हमें बहुत सारिया गल्ला मिलनगियां, टिप्स मिलनगे। सत श्रीकाल, नमस्कार, केम शो आदाब, मौजा मानते हो, मौजा ही मानते रहो। दोस्तों वेलकम टू भोपाल फैमिली अनदर वीडियो। तो चलो गल करते हैं आप हूँ कैनेडा के वर्क परमिट के प्रोसैसिंग टाइम की। दोस्तों ये जो वर्क परमिट है, मैं क्लोज वर्क परमिट की गल कर रहा, LMIA वाले वर्क परमिट की गल कर रहा और दोस्तों उस वर्क परमिट की गल कर रहा जिहड़ा कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, उहदा भी इहदे विच ही शमूलीयत है, इस दे अंकड़ियां विच शमूलीयत है। दोस्तों इहदे जिहड़ा है IRCC ने जो हुण अपडेट दित्ती है नवीं कि उन्हां नूं जिहड़े हैगे है SOWP ते क्लोज वर्क परमिट के जिहड़े फाइलों नूं निपटाउण वास्ते लग रहे ने 28 हफ्ते। तो दोस्तों खुशी की गल यही है कि पहला भी 28 हफ्ते लगते सीगे। तो दोस्तों इनसाइड कनेडा वाले नूं लग रहे ने 154 दिन, यानी 7 महीने लग रहे थे। लेकिन एक्चुअल जो मैं अगे भी दसिया कि जिन्हां दी प्रोफाइलां सही सी और जिन्हां दे ओह ऑन डिमांड वालियां जिहड़ियां जॉब्स दे उत्ते उन्हां नूं LMI आईयां सी, उन्हां दे तां 3-4 तां मैक्सिमम 4.5-5 महीने दे अंदर अंदर ही उन्हां दे रिजल्ट जिहड़े आ पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे है, हुण भी आ रहे है ते आ रहे सी हुण भी आ रहे है। और दोस्तों क्योंकि जिन्हां दे आपां हुण जिहड़ा है कैनेडा जो है वह इस वेले जिहड़ा है स्किल्ड वर्कर नूं भाल रहा है, चाहे वह स्टूडेंट विचों भी वह भालदा कि नहीं आ रही तो स्किल सीख लो, चाहे सीख के आ जाओ चाहे इत्थे आ के सीख लो, तो वो यही चाह रहा है। और नाल दी नाल ये चाह रहा है कि फ्रेंच जिहड़े हैगे आ सीखण वाले फ्रेंच सीख चुके तो बोलन समझण वाले लोग जिहड़े आ हुण आउट ऑफ साइड कनेडा तो आउण, जिन्हां नूं आउट ऑफ क्यूबक वाले प्रोविंसस दे विच वसाया जा सके। तो दोस्तों जिहड़ा ये टाइम पीरियड लग रहा इहदे विच एक्चुअल किन्ना लग रहा मैं तुहानूं दस ही दित्ता, लेकिन किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां दा आपां नूं ध्यान रखना चाहीदा ये मैं तुहानूं एक बार फिर जरूर दसना चाहुंदा, क्योंकि बेशक मैं पहलां भी दस्सिया दोस्तों पर पुराने जिहड़े हैगे मेरे दोस्तों तो जुड़े हुए है उन्हां नूं भी पता लग जूगा, लेकिन कुछ उन्हां लई भी नवें टिप्स हैगे है। लेकिन बहुत सारे नवें आ रहे हैं, वीडियो वेख रहे हैं, नवें आ रहे हैं चैनल पर, उन्हां नूं दसना सारा कुछ जरूरी है। इस करके इस गल नूं जरूर सुनो, तुसीं भी दोबारा जरूर ध्यान नाल सुनो। दोस्तों वर्क परमिट के लिए क्योंकि हुण 1 साल का है, इस करके एक तो LMIA के उत्ते बिल्कुल भी 5 पैसे भी खर्चन की लोड़ नहीं, क्योंकि जे पैसे खर्चोंगे सिर्फ 1 साल का ही तुहानूं इशू होगा। बेशक ऑन डिमांड वाली भी जॉब है, 1 साल तो बाद एक्सटेंड भी नहीं होना उन्होंने लिखा, लेकिन किसी बहुत सारिया परिस्थितियां कई बार आ जाए एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इन्हों PR के पाथवे वास्ते मंजूर नहीं किया जाऊगा, यह भी उन्होंने पहले ही लिख के दिता होया। तो इस करके जेकर तुसी ये चुनना चाहते हैं तो तुसी साल लिए कमाई करने लिए जा सकते हैं, एक बार तुहानूं वापस आना पवेगा। इस करके LMIA तो बिल्कुल भी खर्चा ना करो। और दोस्तों इन्ना जरूर मैं टिप्स दूंगा कि 1 साल वाले तो जाके जेकर PR रहना चाहते हैं तो उत्थे तुसी होर कई पाथवे चुन सकते हैं, उत्थे होर बहुत सारे पाथवे हैगे है कि क्योंकि तुहाडे कोल वर्क परमिट हैगा, बेशक क्लोज वर्क परमिट है लेकिन तुसी उत्थे उन्हों ओपन वर्क परमिट विच भी बदलवा सकते हैं उत्थे रह के, और उत्थे तुसी जाके जिहड़ा हैगा दोस्तों
अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि जी तो ऊँ इनवैसटमेंट वाली फैमिली की जो स्कीम है वो तो 2 करोड़ की लड़ है, लेकिन जेकर तुम अपना कोई कम्यूनिटी के उत्तर जाके कोई छोटा मोटा भी कारोबार करते हैं तो 30-40 हज़ार डॉलर जोड़ा कि LMI है तो फजूल खर्चते हैं वो तुम उत्तों छोटे जे कारोबार लिए खर्च सकते हैं। जेकर वह खर्च के तुम अपना कम्यूनिटी का अपना कोई कारोबार शुरू कर लेंगे उत्तों की सिटी जी भी प्रोवेंस है उत्तों की जोड़े है लोकल गवर्नमेंट तो इजाजत लैके काम कर सकते छोटा मोटा वो किस तरह का कर सकते हैं, क्योंकि जेकर थोड़े को स्किल हैगी ता ही कर सकते हैं, तुम कुकिंग कर कैटरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, तुम होर इस तरह का जोड़ा भी तुम्हें शौक है जी भी चीज़ तुम आँदी है। दोस्तों जो पहले बैठे है उन्होंने भी मैं यही टिप्स दूंगा। दोस्तों जो पहले बैठे है मेरे स्टूडेंट है चाहे वर्कर है जिन्हें वर्क परमिट खत्म हो जा रहे हैं वो भी जोड़ा है एक बार विजिटर वीज़ा लै लो। विजिटर वीज़ा लैन तो बाद भी कम्यूनिटी के उच्चों कोई ना कोई छोटा मोटा काम कार शुरू कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं एक डिटेल के कुछ कारोबार जोड़े कि 30-40 हज़ार के शुरू हो सकते हैं और किड़े लोग जोड़े वो आ सकते हैं वो मैं पूरी थोड़ू वीडियो दूंगा। उस वीडियो तुम जरूर इंतजार करियो। उसके चैनल में सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करके आई बैलकॉम दब लो, जो वीडियो अपलोड करूँगा तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जूगी। तुम जो कैनेडा में बैठे है वो सारी आपदे आपदा टेस्ट दे मैं 1, 2, 3, 4, 12, 13 जनी योजी ऑक्यूपेशन दसूँगा जेडे तुसी उत्थे अपना सकते हैं और बहुत ही घट पैसों के स्टार्टअप कर सकते हैं। और दोस्तों चलो हुण आपां वर्क परमिट बारे जेकर तुहानूं पूरी नॉलेज मैनूं उम्मीद है मिल चुकी होगी। जे तुसी सैटिस्फाइड है दोस्तों लाइक कर दो, वध तो वध शेयर कर दो, वीडियो नूं शेयर करने विच कंजूसी ना करिया करो। और दोस्तों जिहड़े इत्थे बैठे उत्थे कैनेडा विच बैठे स्टूडेंट जिहड़े कि वेटिंग कर रहे आपदे PR दी, उन्हां दे पेरेंट्स नूं भी मेरी बेनती है कि यह वीडियो अपने बच्चों च शेयर करो और उन्हां नूं ये कहो कि वह आपदे साथियों च भी शेयर करन। तुसी भी लोकल जिहड़े तुहानूं वाकफ कर पेरेंट्स हैगे उन्हां च भी शेयर करो। चलो इस वीडियो नूं मैं इत्थे करूँगा समाप्त, थोड़े तो लूँगा इजाजत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनकरेज करो, कोई क्वेश्चन है तुम्हारे मन में क्वेश्चन करो तो मैं जवाब दूंगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, केम शो, आदाब, मौजा मानते रहो। दोस्तों हुण दिओ इजाजत, अगली वीडियो लेके फिरूंगा हाजिर। सत श्री अकाल, नमस्कार। नहीं होगी।